स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसको आपको रिड्यूस करना है और फिर सॉल्व करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर 1/√x और 1/√x कॉमन वेरिएबल्स हैं, वैसे यहाँ पर 1/√y और 1/√y आपके कॉमन है। अब इन दोनों को आपको मानना है, 1/√x को p और 1/√y को q। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी आप 1/√x की जगह जब p देखेंगे तो 4p माइनस 9q इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन 2, अब हम यहाँ पर q को इक्वल कर लें या p को, किसी को भी आप इक्वल कर सकते हैं। तो हम इसको q को इक्वल करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके ये 9 हो जाएगा। तो फुल इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करनी है, ये आ गया आपके 3 6p प्लस 9q इक्वल टू 6। दोनों के साइन डिफरेंट है तो ऑन एडिंग ये हो जाएगा, ऑन एडिंग में ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10p, ये सबट्रैक्ट करके 5, जो p की वैल्यू है आपकी 1/2 आ जाएगी। तो ये 10 5 के नीचे जाएगा और उसको कैंसिल करेगा तो 5 हो जा 10। अब इसको आप ऑन पुटिंग करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रखेंगे आप, यहाँ भी इक्वेशन 1 है तो 2 के प्लेस पर 1/2 आएगा, 2 × 1/2 आ जाएगा आपका। इस p के प्लेस पर 1/2 प्लस 3q as it is और 2, ये 2 कैंसिल, प्लस 3q इक्वल टू 2 माइनस 1, ये q 1/3 आपका हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस 1 और 3 जाएगा आपका डिवाइडर। तो स्टूडेंट्स, पी और क्यू की वैल्यू आपकी आ चुकी है। आप जब आपने माना था पी को, वहां रखेंगे वैल्यू, तो 1/√x की वैल्यू आई है आपकी 1/2। दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। दोनों का रेसिप्रोकल किया तो ये 2 हो गया, इसका रूट हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आई है आपकी 4। वैसे आपको 1/√y के प्लेस पर रखना है 1/3। दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल होके इधर स्क्वायर हो जाएगा तो 9। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपके दोनों x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो कमेंट्स में जरूर लिखें हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी तरह की इजी सॉल्यूशन के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पायनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर, और कमेंट करके जरूर लिखें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।